सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से गुलबर्गा शहर में कमिश्नर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट को जुलाई में स्कूल्स रीओपन किए जाने वाले गवर्नमेंट के फैसले पर सवाल उठाते हुए एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया है। मेमोरेंडम के जरिए एसडीपीआई ने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से गुजारिश की है कि कर्नाटका स्टेट में स्कूल्स को जुलाई में ओपन करने के बजाय हाई स्कूल्स को सितंबर में और एलकेजी से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के स्कूल्स को नवंबर में स्टार्ट किया जाए। इसकी वजह यह बताई गई है कि यूरोपियन कंट्रीज में स्कूल्स को रीओपन करने की वजह से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखा गया है। एसडीपीआई गुलबर्गा की जानिब से यह बताया गया है कि कर्नाटका स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल्स और कुछ प्राइवेट स्कूल्स में लापरवाही ज़्यादा देखी जाती है और मासूम बच्चों को स्कूल भेज कर कोरोना वायरस का शिकार नहीं बनाना चाहिए। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे कर्नाटक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट के डीडीपी ऑफिसर और कमिश्नर को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है। तो मेमोरेंडम में तीन चार टॉपिक्स को हम कवर किए हैं। सबसे पहला ये हमारा रिक्वेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट से कि जुलाई में स्कूल चालू करने जा रहे हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि इसको सितंबर में शुरू करें, पर हायर प्राइमरी और हाई स्कूल सितंबर में शुरू करें और प्री प्राइमरी जो एलकेजी सो फिफ्थ स्टैंडर्ड है वो नवंबर में शुरू करें। ये इसकी वजह यह है क्योंकि हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में स्कूल रीओपन होने के बाद स्कूल्स के बच्चों के ज़रिए से कोरोना वायरस और फैल गया है और हम कर्नाटक के लोग ये चाहते हैं कि 1% भी हम हमारे बच्चों के साथ रिस्क और इसके रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे जो कर्नाटक के जो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइमरी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, वहाँ की जो सैनिटाइजेशन हो या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं किस हालत में गवर्नमेंट स्कूल्स रहती खासकर हमें मालूम है। तो इसलिए गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट है कि हायर प्राइमरी सितंबर से शुरू करें और प्री प्राइमरी और एलकेजी जो मॉनिटरी से स्कूल बोलते हैं वो नवंबर में शुरू करें। दूसरा जो ट्रैवलिंग होती है बस में ऑटोज में और स्कूल के जो टेम्पोज जो बनाते हैं वो बच्चों को भर के ले जाते हैं उसमें, तो उसमें भी क्या हम कोरोना फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये है कि स्कूल के साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम लाए स्कूल मैनेजमेंट के साथ कि स्कूल चालू होने के बाद किस तरह से करें। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्कूल चालू होने से पहले DDPI BEO के ज़रिए से पूरे स्कूल्स को फॉगिंग कराया जाए, सैनिटाइजेशन कराया जाए, जो जो प्रिवेंटिव मेजर्स है स्कूल में लिया जाए। क्योंकि हम देखते हैं बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके पास बजट होता है, फंड होता है, वो लोग सब ये कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो मिडिल क्लास स्कूल्स हैं वो लोग ये नहीं करते हैं। तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की जिम्मेदारी है कि ये लोग अपना कुछ फंड ये प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए सैनिटाइजेशन के लिए इन स्कूलों के ऊपर खर्चा करें। कोर्स कम किया है, यही चीज़ अगर स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे बोर्ड भी कर दें, कोर्स कम कर दें। बेशक ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चे चूँकि मिंगल अप ज़्यादा होते हैं तो फैलने का अंदाजा ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने दूसरा मेमोरेंडम जो दिया कि फरवरी से टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलती, हमको खासतौर पर प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली और उसमें कम तनख्वाह वाले भी हैं 5,000-6,000 और उनका घर इसी पर डिपेंड करता है। या तो ये एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल्स को दे कि भैया इनको कुछ पेमेंट करो या फिर स्टेट गवर्नमेंट इसका कुछ करे, लेकिन ये वो लोग हैं जो सड़क पे खड़े रहकर मांग भी नहीं सकते। गरीब लोगों को तो आप सबने जमा करके दिया लेकिन इनको कौन देगा, अब ये हाथ पर फैला नहीं सकते हैं, वाइट कॉलर लोग हैं, तो लिहाजा बहुत अहम है। देखिए टीचर्स जो होते हैं ना, दे आर मेकर्स ऑफ द नेशन, ये कौम के मेमार हैं ये, और ये जो है मुस्तकबिल हमारा इनके हाथों में होता है। आप उनको झाड़ू वाली चपरासी दे दिया से कम ट्रीटमेंट देते हैं, बड़े अफसोस की बात है। मैं खुद भी माँ बाप और टीचर्स का प्रोडक्ट हूँ, जो मैं जो ऊपर वाले मकाम दिया अल्लाह ने जो दिया वो जो है मेरे टीचर्स, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। अब आप सोचिए कि इन टीचर्स का इतना बुरा हाल है, मैं देख रहा हूँ जिनकी तनख्वाह 6,000-7,000 है, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली तो इनको क्या होगा। एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्या वो प्राइवेट इनको आप वो मत दो, रिकग्निशन मत दो आप अगर वो जो है